गदर टू और ओ माई गॉड टू की एडवांस बुकिंग जोरों शोर से हो रही है और इन दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग क्लोज होने को सिर्फ 3 दिन ही बाकी रह गए हैं और अभी के लिए सनी पाजी की फिल्म ओ माई गॉड टू को एक बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ रही है। थर्सडे तक यानी एडवांस बुकिंग क्लोज होने तक कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म लगभग 50 से 60 हजार टिकट्स बुक करवा चुकी होगी जबकि गदर टू 2 लाख के करीब एडवांस बुकिंग पहुंचा सकती है। अब इसी की बेस पर इन दोनों फिल्मों के हिट या फ्लॉप होने के फैसले होना शुरू हो गए हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो एडवांस बुकिंग के फिगर्स बताए जा रहे हैं ये सिर्फ पहले दिन की बुकिंग के बारे में हैं, जबकि नॉर्मली फिल्म 3 से 4 हफ्ते या फिर अगर फिल्म अच्छी हो तो इससे भी ज्यादा देर तक सिनेमाज में चलती है और फिर जाकर 1 या 1.5 महीने बाद टोटल बिजनेस की बेस पर किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप कहा जाता है और वो भी फिल्म के बजट को माइंड में रखते हुए। जबकि ओ माई गॉड 2 और गदर 2 बड़े मीडियम बजट में बनने वाली फिल्में हैं जो फ्लॉप के टैग से तो बहुत ही आसानी से बच सकती हैं। अब एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे सामने रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म की है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने स्टार्ट में तो नॉर्मल सा बिजनेस किया लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया तो अपनी स्टोरी की वजह से इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 10वें दिन 13.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है जबकि अपनी रिलीज के पहले दिन सिर्फ 11 करोड़ रुपए के करीब ही बिजनेस किया था। यानी कोई फिल्म अपनी रिलीज के 10वें दिन पहले दिन से भी ज्यादा बिजनेस कर सकती है लेकिन अगर एडवांस बुकिंग की वजह से पहले दिन होने वाले बिजनेस की बेस पर ही रॉकी और रानी को अगर फ्लॉप कहा जाता तो बिल्कुल गलत होता। बिल्कुल इसी तरह अभी के लिए गदर 2 अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म से एडवांस बुकिंग में बहुत आगे नजर आ रही है और 20 से 25 करोड़ रुपए पहले दिन ही बिजनेस कर सकती है जबकि ओ माई गॉड 2 पहले दिन 10 करोड़ रुपए का बिजनेस ही कर ले तो बहुत होगा। बट ये तो सिर्फ कहानी है पहले दिन की लेकिन आगे एडवांस बुकिंग के फिगर्स काम नहीं आएंगे बल्कि आगे फिल्म की कहानी काम आएगी। अगर फिल्म अच्छी हुई तो फिर तो इसे बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन अगर फिल्म अच्छी ना हुई तो चाहे 25 से 30 करोड़ भी पहले दिन कमाए हो फिल्म बुरी तरह नाकाम हो सकती है जैसा कि आदि पुरुष के साथ देखने को मिला। फिल्म ने पहले दिन तो 36 करोड़ रुपए के करीब बिजनेस किया लेकिन चौथे दिन ही फिल्म 8 करोड़ रुपए भी ना कमा सकी और 12वें दिन तो 1 करोड़ भी कमाने में कामयाब ना हो सकी जबकि प्रभास जैसे स्टार फिल्म में मेन रोल में नजर आ रहे थे। इसी तरह अभी के लिए गदर 2 की एडवांस बुकिंग फिल्म की कहानी या ओवरऑल प्रेजेंटेशन की वजह से नहीं है बल्कि फिल्म आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर फिल्म का पार्ट 2 है जिसमें वही फेमस कैरेक्टर्स तारा सिंह और सकीना एक दफा फिर नजर आने जा रहे हैं। वही आइकॉनिक पंप सीन भी इस पार्ट 2 में ऐड किया गया है और मैं निकला गड्डी लेकर जैसा गाना भी गदर 2 में शामिल है। सबसे बढ़कर फिल्म पाकिस्तान इंडिया जैसे टॉपिक पर बनाकर इंडियन इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज की जा रही है तो इन सब फैक्टर्स की वजह से ही एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है लेकिन फिल्म रिलीज होने के 1 हफ्ते में ही पता चल जाएगा कि ये फिल्म 2023 में भी सिनेमाज में सर्वाइव कर सकती है या नहीं। जबकि ओ माई गॉड 2 में गदर 2 जैसे फैक्टर्स नहीं है कि उतनी एडवांस बुकिंग इकट्ठी कर सके लेकिन इसकी कहानी जो सोशल इश्यू पर बनाई जा रही है और वो भी रिलीजन के टच के साथ इसमें पोटेंशियल जरूर है कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बिजनेस कर सके क्योंकि सोशल इश्यू डिस्कस करने की वजह से ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अपनी रिलीज के 10वें दिन भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बिजनेस कर रही है। लेकिन अगर गदर 2 की तरह अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म को प्रमोट सही तरीके से करते तो एडवांस बुकिंग भी बढ़ाई जा सकती थी जैसा कि सनी देओल कभी बॉर्डर पर अपनी फिल्म प्रमोट करते नजर आ रहे हैं और कभी कपिल शर्मा शो में। जबकि ओ माई गॉड 2 जितनी भी एडवांस बुकिंग इकट्ठी कर रही है वो बगैर प्रमोशन के ही कर रही है। इंतजार करते हैं नेक्स्ट वीक का और देखते हैं कि कौन असल बाजी मारता है।